लेसन नंबर 4 हास्य योग ह्यूमरस जोक्स। आपणिकः ग्राहकं प्रति एतद् यंत्रं क्रीणातु क्रयणयोग्यम् अस्ति। ग्राहकः एतस्य का विशेषता अस्ति। आपणिकः एतद् यंत्रं भवतः 50% कार्यभारम् अल्पं करिष्यति। ग्राहकः तर्हि कृपया द्वे यंत्रे ददातु। The shopkeeper says to the customer, buy this machine, it is properly to be bought. The customer says, what is its speciality? The shopkeeper says, this machine will lessen your workload 50%. The customer says, then please give me 2 machines. यहाँ पर है शॉपकीपर और ग्राहक के बीच की बात है। आपने कहा माने शॉपकीपर जो दुकान का मालिक है वो ग्राहकम प्रति जो कस्टमर है उसको कह रहा है एतद यंत्रम क्रीणातु क्रयण योग्यम अस्ति कि भाई वो कह रहा है कि ये मशीन वगैरह है वो आप ले लो ये आपके लिए ये आपको क्रयण योग्य माने ये आपके उपयोगी है ये मशीन आप ले लो। वैसा जो शॉपकीपर है वो ग्राहक को कह रहा है। ग्राहक एतस्य का विशेषता अस्ति जो ग्राहक है वो कस्टमर उसको कह रहा है कि भाई ये यंत्र आप मेरे को लेने के लिए बोल रहे हो लेकिन इसकी विशेषता क्या है। आपने कहा शॉपकीपर एतद यंत्रम भवतः 50% कार्यभारम अल्पम करिष्यति कि जो शॉपकीपर है उसको कह रहा है कि भाई ये यंत्र है वो आपका जो 50% वर्कलोड है वो कम कर देगा इसलिए ये यंत्र आप ले लो। तो जो ग्राहक के कस्टमर है वो उसको कह रहा है तरही कृपया द्वे यंत्र दे दू कि तो फिर तो मेरे को आप दो ही ये दो यंत्र मेरे को दे दो। क्यों? क्योंकि ये भाई एक यंत्र से मेरा 50% वर्कलोड कम हो जाएगा तो आप मेरे को दो दे दो मुझे कुछ करना ही ना पड़े मेरा सब कार्य है वो ये मशीन ही कर दे इसलिए आप मेरे को ये दो यंत्र दे दो। अब सेकंड जोक्स। शिक्षक छात्र से गृह कार्य दृष्टवा भवतः गृह कार्य बहव दोषा तान अपि भवान एक एव करोति। छात्र महोदय एते सर्वे दोषा अहम एक एव न करोमि गृहपाठ लेखने मम पिता भी सहायतां करोति। द टीचर सेज आफ्टर चेकिंग द पीपल्स होमवर्क देर आर मेनी मिस्टेक्स इन योर होमवर्क ओनली यू डू दिस मिस्टेक्स। द पीपल सेज सर आई अलोन डू नॉट मेक ऑल दिस मिस्टेक्स माई फादर ऑल्सो हेल्प्स मी इन डूइंग माई होमवर्क। सेकेंड जोक्स में एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है। टीचर जो शिक्षक है वो पूछ रहा है छात्र को छात्र से गृह कार्यम दृष्ट्वा कि जो छात्र होता है उसका स्टूडेंट उसका होमवर्क देख के टीचर उसको कह रहा है भवतः गृह कार्य लेखने बहवः दोषाः तान अपि भवान एकः एव करोति कि उसको कह रहा है कि भाई तुमने जो होमवर्क किया है उसमें बहवः कितने सारी मिस्टेक है वो क्या तुमने अकेले ने की है। वैसा जो शिक्षक है वो अपने स्टूडेंट को पूछ रहा है। अब स्टूडेंट उसको कह रहा है वापिस छात्र महोदय एते सर्वे दोषाः अहम् एकः एव न करोमि गृहपाठ लेखने मम पिता भी मम सहायतां करोमि कि भाई ये जो आप कह रहे हो कि इतनी सारी मिस्टेक वो मिस्टेक मैंने अकेले ने नहीं की है मेरा जो होमवर्क था मेरा गृहपाठ लेखन था उसमें मेरे पिता मेरे फादर थे उसने भी मेरी हेल्प की थी उसने भी मेरी सहायता की थी इसलिए मैंने अकेले ने ये दोष नहीं किया मेरे फादर ने भी मेरा साथ दिया था। यहाँ पे सेकंड जोक्स ओवर। अब थर्ड जोक्स। यहाँ पे गृह स्वामी और अतिथि के बीच की बात है। गृह स्वामी अतिथि प्रति भवान आगच्छतु स्वान भयम न अनुभवतु अतिथि ही किम सह न दशति गृह स्वामी तस्य दंशन स्वभाव अस्ति वान वा इति अहम अपि न जानामि यतः एकस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति। द ओनर ऑफ द हाउस टू द गेस्ट प्लीज वेलकम डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग। द गेस्ट सेज डस नॉट इट बाइट। द ओनर ऑफ द हाउस सेज आई डोंट नो वेदर इट हैज और हैजंट नेचर ऑफ बाइटिंग बिकॉज इट विल बी टेस्ट ऑफ इट्स नेचर नाउ। यहाँ पे गृह स्वामी कह रहा है गृह स्वामी अतिथि प्रति के वो जो उसके प्रति गेस्ट आया है उसको कह रहा है भवान आगच्छतु स्वान भयम न अनुभव दो आप अंदर आ जाओ स्वान ये जो डॉग है कुत्ता उसका भय मत रखो आप अंदर आ जाओ। अतिथि ही जो गेस्ट है वो उसको कह रहा है किम सह न दशति कि भाई गेस्ट है उसको पूछ रहा है कि भाई ये काटता नहीं है आप हमको बोल रहे हो अंदर आ जाओ तो ये आपका डॉग है वो किसी को काटता नहीं है। वैसे जो अतिथि है उसको पूछ रहा है वापिस जो गृह का ओनर है वो उसको कह रहा है तस्य दंशन स्वभाव अस्ति वान वा इति अहम अपि न जानामि यतः एतस्य स्वभावस्य परीक्षणम अधुना भविष्यति कि भाई वो काटता है या नहीं काटता है वो हमें भी नहीं पता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड अगर आप अंदर आते और काटता है तो पता चल जाएगी ये डॉग है हमारा कि सबको काटता है आप आओगे नहीं काटेगा तो हमको भी पता चलेगा कि ये
डॉग है वो हमारा कुछ किसी को कुछ करता है नहीं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अंदर आओगे तभी पता चलेगा कि ये काटता है या नहीं काटता है। यहाँ पे हमारा थर्ड जोक्स ओवर। अब फोर्थ, एकदा चोरद्वयम् वित्तकोशे लुण्ठनं करोति, बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति, गृहम् आगत्य वार्तालापं करोति। प्रथम चोरः, कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थं धनगणनां करोमि। द्वितीय चोरः, व्यर्थश्रमं मा करोतु, श्वः वर्तमानपत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव, ततः गणना ज्ञानं भविष्यति। Once two thieves rob a bank. They get many rupees. Having come to home, they talk. The first thief says, I am counting money because I want to know how much money we have got. The second thief says, don't do useless labor. The news will come in the newspaper tomorrow, so we sell no counting. यहाँ पे दो चोर के बीच की बात है, दो थीफ के बीच की बात है। एकदा चोरद्वयम् वित्तकोशे लुण्ठनं करोति, एक बार थे दो चोर थे, उसने बैंक में रोबरी की। बहूनि रूप्यकाणि प्राप्नोति, कितने सारे पैसे उसको वहाँ से मिले। गृहम आगत्य वार्तालापं करोति, कि वो घर पे अपने आके बात कर रहे दोनों। प्रथम चोर, कि जो प्रथम थीफ था वो कह रहा है, कियत् धनं प्राप्तं तस्य ज्ञानार्थं धनगणनां करोमि, कि भाई कितने धन हमने जो रोबरी की उसमें से कितने धन हमें मिले वो उसके वो मालूम करने के लिए हम जो पैसे है उसकी गणना कर लेते हैं। तब द्वितीय जो दूसरा सेकंड थीव है उसको कह रहा है, व्यर्थ श्रमं मा करोतु, श्वः वर्तमान पत्रे वार्ताम् आगमिष्यति एव, ततः गणना ज्ञानं भविष्यति। कि भाई ऐसा व्यर्थ काम श्रम क्यों करें, कल जो वर्तमान पत्र आने वाला है उसमें सब पता चल जाएगा कि बैंक में से कितनी रोबरी हुई, तो हमें कुछ व्यर्थ श्रम करने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पे फोर्थ जोक्स ओवर। अब फिफ्थ जोक्स हमारा, वृद्ध शंभुनाथः, मम पत्नी मम भोजनस्य पश्चात् एव भोजनं करोति, रमानाथः, भवान् भार्यया सह भोजनं न करोति वा, शंभुनाथः, तथा किमपि नास्ति, मम भोजनस्य पश्चात् सा भोजनं करोति, तस्य कारणम् अस्ति, यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दन्तावलिः अस्ति। ओल्ड शंभुनाथ सेज, माय वाइफ टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर। रामनाथ सेज, डोंट यू टेक डिनर विथ योर वाइफ। शंभुनाथ सेज, इट इज नॉट सो, सी टेक्स डिनर ओनली आफ्टर आई टेक माय डिनर, इट हैज अ रीजन, वी बोथ हैव ओनली वन डेंचर। वृद्धः शंभुनाथः, मम पत्नी मम भोजन से पश्चात एव भोजनम करोति, कि जो वृद्ध शंभुनाथ है वो कह रहा है कि भाई मेरी जो वाइफ है, मेरी पत्नी है, वो मैं जब भोजन कर लेता हूँ उसके बाद ही वो भोजन करती है। रमानाथः, भवान भार्या सह भोजनम न करोति, कि रमानाथ है उसको पूछ रहा है कि तुम अपनी वाइफ के साथ भोजन नहीं करते। शंभुनाथः, तथा किमपि नास्ति, मम भोजनस्य पश्चात् सा भोजनं करोति, तस्य कारणम् अस्ति, यतः आवयोः एका एव कृत्रिम दन्तावलिः, कि भाई हम दोनों साथ में भोजन नहीं करते उसका भी एक रीज़न है, उसका भी एक कारण है कि भाई हमारे दोनों के बीच में आवयो हो, कि हमारे दोनों के बीच में एक कृत्रिम दंतावली है, कि भाई एक ही बत्रीसी है हमारे जो दोनों है उसके बीच में एक ही बत्रीसी, इसलिए हम दोनों साथ में भोजन नहीं करते, पहले मैं बत्रीसी लगा के भोजन करता हूँ, उसके बाद मेरी वाइफ है वो बत्रीसी लगा के भोजन करती, इसलिए हम दोनों साथ में भोजन करते हैं नहीं।